गाइस दैट शुभम एंड आयुष और हम लोग जा रहे हैं आज कहाँ आयुष? शल्य माता मंदिर चंदपुरी। चंदपुरी ठीक है, ये नया बना है तो अभी जस्ट आयुष थोड़ी देर पहले घूम के आया और मैं घर पे बैठा हुआ था तो मैं बोला चलो आयुष भाई कहीं से घूम के आ जाए, तो अभी प्लान बना है। अभी देखो मौसम भी एकदम सुहाना सुहाना और आपको है ब्लॉग का मजा उठाना, तो जिसको भी ब्लॉग पसंद आया भैया पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल ठीक है, और राइड के मजे लो। हेलो, तो गाइज अभी हम लोग बस प्रांगण में खड़े हैं, सामने ही अभी अंदर जाएंगे और देखते हैं अंदर कैसा है क्या है, आपको भी दिखाएंगे, आप लोग भी एंजॉय करो ठीक है। ये जो जगह है, एक जगह तो कुछ ऐसा बना है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा मंदिर है, मुझे तो मस्त लग रहा है, तो दिखाता हूँ शॉर्ट। सामने यहाँ पे एंट्री गेट पे सैनिटाइजर मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये एक लेक है सामने जस्ट पीछे ये सामने की तरफ, और ये जो दिख रहा है ब्रिज, इससे ही होते हुए जाना है मंदिर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सा मेन मंदिर? और ये अभी डेवलप कंडीशन में ही है, कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ नहीं है गाइस, कंस्ट्रक्शन पूरा हो रहा है। और ये है वो मेन मंदिर, गाइस ये है मेन मंदिर, अंदर शायद मना करे, मैं कोशिश करूंगा दिखाने का जितना हो सके पॉसिबल। Shall we have a
तो गाइस मेरे को तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही मस्त जगह है, हवा चल रही है और नज़ारे तो और मस्त बन गए। बट अब डर ये लग रहा है कि यहाँ से जा रहा है घर वापस और माहौल थोड़ा ख़राब हो रहा है, मौसम बारिश का मौसम बन रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपन भी निकले यहाँ से, वरना और थोड़ी देर रुक के मैं आपको और अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाता। और जब भी हो सके तो अपने फैमिली वालों के साथ ज़रूर आइए, बहुत ही भव्य मंदिर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम अलग सी शांति है यहाँ पे। और बारिश चालू हो गई है गाइज और हम लोग यहाँ फंस गए। अब तो अच्छा सही ब्लॉग बनाऊंगा मैं, ये दौड़ रहा पगला। तो गाइज अभी हम लोग फंस गए हैं यहाँ पे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। और अब यहाँ से घर भी जाना है और हम लोग काफी दूर है घर से, 30 किलोमीटर के आसपास है। और मंदिर तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और मंदिर जो बना है बहुत ही प्यारा बना है, ये एक्चुअल में तालाब के बीचों बीच बना हुआ है ये मंदिर, बहुत बड़ा सा तालाब है, वहाँ पे देखिए विष्णु भगवान जी का वो बना हुआ है समुद्र मंथन वाला। और अभी बारिश हो रही है और हमारे महादेव ले रहे हैं शावर। झगड़ा फंस गए हम लोग, एकदम मस्त वाला फंसे हैं। और यहाँ से निकल के जाने वाले थे मोमोस खाने के लिए, ना मोमोस पकोड़ा, हाँ आयुष भाई पार्टी दे रहा है वो मस्त भाई है एकदम। आज सोनू भाई नहीं है, सोनू भाई थोड़ा सा काम वाम में व्यस्त रहता है आजकल, तो आना ना थोड़ा कम हो गया पहले से, बट जल्दी उसको भी लाएंगे और यहाँ ब्लॉग बनाने वापस आएंगे विथ फुल सेटअप। अरे वाह, और लाइट आ गई है मंदिर के वापस। ये कर क्या रहा, क्या कर रहा है ये बताओ जरा। डॉक्टर स्ट्रेंज बन रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज बन रहा है और बारिश रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो देखो क्या करता है ये, चलो रुका रुका रुका, अभी भी गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है, एक बार और एक बार और एक बार और। हाँ थोड़ा कम हो गया, फिर कर और रोको और रोको और रोको, पार लगा इसका अद्भुत डांस देखने में मजा आ रहा होगा। ये क्या था, कचरा फेंका क्या बाहर? हो गया लेकिन बारिश तो रुका नहीं भाई, अभी भी गिर ही रहा है, देख गिर रहा है। चलो जब तक ये बारिश रोकता है तब तक हम लोग वेट करते हैं।
तो गाइस फाइनली एक जगह मिली है, पूरा अंधेरा अंधेरा है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। ठीक है, हर शंभु भाई का कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल। और अभी हम लोग चाय का ऑर्डर किए, हम लोग हैं गुप्ता होटल में, चाहते ही पड़ता है इधर, मतलब मंदिर जाओगे ना आप लोग तब पड़ेगा बीच में। तो अभी यहाँ पे चाय पीते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ का, मिलते थोड़ी देर बाद। ये आ गई है चाय नेस्कैफे के ग्लास में मस्त से, अब टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है, फिर आपको बताऊँगा। अच्छी चाय है, चलो चाय पीते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। हम लोग पहुंच गए घर फाइनली, भीगते भागते ठंडी में जूझते। तो भाई जिसको भी वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, और जाओ आप लोग भी, बहुत ही प्यारा जगह है घूमने में, तो मज़ेदार है कि नहीं आयुष? आयुष की वजह से मेरा जाना हुआ, तो थैंक्स टू आयुष, और ये वीडियो का क्रेडिट तो पूरा का पूरा आयुष को जाता है भाई। देख लो आइंस्टाइन जैसा बाल हो गया मेरा, इधर इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, इधर नहीं, इधर थोड़ा। कुछ कमेंट कर दो यार बाल अच्छे करने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अरे ये तो इंडियन हैकर वाला हो गया यार, जय हिंद जय छत्तीसगढ़।